चलो ना प्लीज 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 नहीं। कितने दिनों के बाद मैं तुम लोगों से एक जैकी चैन की पिक्चर देखने की जिद कर रहा हूँ। हाँ, पूरे डेढ़ दिन से कोई बकवास पिक्चर नहीं देखी है ना तुमने। प्लीज चलो ना। नहीं भैया, बोर होते हैं, वो फाइटिंग वाली पिक्चर देख के नींद आ जाती है भैया। तुम लोगों में से किसी को भी मेरे इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। अच्छा बाबा, चलते चलते रो मत प्लीज। चलो 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 चलो। आप कौन? सुना माँ, तुम्हारा बेटा कितना फेमस हो गया है। ओम जय अमरीश देवा, जय जय आइए 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 प्लीज प्लीज कम इन। वेल एक्सक्यूज मी, अमरीश देवा बोले। अरे ये आकाशवाणी नहीं, पीछे मुड़कर देख, महिला वाणी है। रश्मि कौन है? ऑपरी रशु। हाँ भाई, वो कॉलेज गई, अभी आती हो। दीपक अंकल, हाय। हेलो, कम राइट इन। हाँ हाँ, चलिए चलिए, इसे आप अपना ही घर समझिए, यहाँ आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। कम ऑन। एक मिनट मिनट मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने पलंग का रास्ता दिखा रहा हूँ। एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन गो। लेकिन राहुल गो। Control yourself, guys. Control it. Are you okay? कहाँ फंस गया ये लड़का? जल्दी चलो। माँ, तूने मुझे पुकारा? हाँ पुकारा। पिक्चर नहीं जाना क्या? चलो जल्दी। मम्मी। हाँ जी। पिक्चर मुझे देखनी है ना? जी हाँ। तो अपने स्वार्थ के लिए मैं आप सबको तकलीफ क्यों दूँ? छोड़ो नहीं जाते। क्या? अरे तकलीफ की क्या बात है? चलो ना पिक्चर देखते ना। भैया, I'm sorry. आज के बाद आपके इमोशंस का मैं पूरा ख्याल करूंगी। भारती, मैंने कहा ना मुझे पिक्चर नहीं देखनी है। भैया, जैकी चैन की फिल्म है कराटे की। मैंने कहा ना मुझे पिक्चर नहीं देखनी है। अरे तो जाने तो जाओ, मेरा मन तो नहाने को करता है। नहाने को? हाँ, नहा कर मैं अपने तन की सारी स्वार्थ की गंदगी दूर फेंक दूंगा। पता है रश्मि, तुम्हारा लेटर देखे बिना ही मुझे पता चल जाता है कि ये लेटर तुम्हारा है। रियली? अरे फिर वो कैसे? क्योंकि कभी कभी उसमें लिपस्टिक होती है तो कभी कभी आईलाइनर। कभी उसमें मेरी टाई आई है, रेड कलर की। That's right. पापा, लेकिन वो टाई आपकी नहीं थी। पानी। शिवा, मुझे ये तो बताओ कि तुम बॉम्बे इतनी अचानक कैसे पहुंच गए यार? कुछ फोन नहीं, कुछ लेटर नहीं? वेल, बस यूं ही दिल किया कि बॉम्बे घूमा। हाय शिवा। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेल, मेरा नहाने का टाइम हो गया है, मैं नहाने आया। शिवा यहाँ है और बाथरूम वहाँ है। धीर, आर यू श्योर तुम नहाने आए हो? कहीं ड्राई क्लीन होने तो नहीं आए? वेल, मैं ऐसे ही नहाता हूँ। Very interesting boy. I know. Actually, बुरा मत मानना, गरीब लोग हैं ना, इसलिए हमें इन्हें सर छुपाने के लिए जगह यहाँ दे दिए। अब सर पे चढ़ने लगे हैं ये लोग। Excuse me, ये हमारे तारीफ में क्या अल्फाज कहे जा रहे हैं? आप जाके नहाइए ना। Okay. Very funny. Not him only, his पूरा खानदान is very funny. Yeah, but how come he's staying with you? करीबी पड़ोसी, like करीबी रिश्तेदार, country cousins. Hi Shiva, मैं नहा लिया। Oh no. Oh yes. नहीं, मेरा perfume. Perfume क्या हुआ? मेरा perfume खत्म हो गया। Oh, oh that's not right Shiva, तुम मेरा use कर लो ना, मैं ला रही हूँ। नहीं, मम्मी तुम्हें पता नहीं इस perfume के मेरे लिए क्या value है। मैंने कह दिया ना ये पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। बट मम्मी, आई एम सीरियस, मुझे ये पैसे कॉलेज के किसी काम के लिए चाहिए। बच्चू,
जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं ना उस कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं हम। हमें पता है कि आपका ये कॉलेज कहाँ खुला है। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज। When I say no, I mean no, and that's final, Dheer. मम्मी, मम्मी। यिप्पी! Oh, the people here are so nice. Sheeba, Sheeba, Sheeba. Oh, hi. Hi. देखो और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? Yes. दिखाओ ना। पहले अपनी आंखें बंद करो ना। Okay, okay, बंद कर ली। Ready? Ready. Steady. Steady. Go! बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो तुम भी मेरे लिए कुछ लाए हो। तुम भी का मतलब? मतलब राहुल मेरे लिए ये शिक्षा स्लीक लाया है। एक से तुम्हारा क्या होगा गरीब आदमी। देखो मैं क्या लाया हूँ। मैं जानता हूँ शिवा, मगर तुम्हारे डिओड्रेंट के आगे मेरी घड़ी क्या अहमियत रखती थी? घड़ी? इसका मतलब तुमने अपनी घड़ी बेच दी? अब तुम टाइम कैसे देखोगे? तुम्हारी आंखों में शिवा, आखिर एक खूबसूरत इंसान ही तो एक खूबसूरत इंसान के काम आता है। ए, कराटे चॉप खिलाऊं क्या? नहीं नहीं, तुम कितने महान हो थी। Excuse me. Oh? Sorry, sorry. It's me. Dheer, तुमने इसका पीकी बैग और इसमें से पैसे चुराए तुमने? चल घर, तुझे मार मार के ऐसा भुर्ता बना दूंगी। चल घर मेरे साथ। मारो, जोर से मारो। कितना महान इंसान है। बच्चों का पीकी बैंक तोड़कर पैसे चुराता है। कितना महान है ना? Come back. अपनी जगह पे खड़े रहे। क्या हुआ? लोचा हो गया यार। क्या लोचा हो गया? भर्ती हुआ ना। अरे अरे भाई कोई है क्या? अरे यार मैं हूँ। अरे कहाँ है? अरे ग्राउंड फ्लोर पे। अरे बेटा तुमने किसी लड़के को देखा? देखो लंबा था, गोरा था, पीले रंग का शर्ट पहना था। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ मुझे पूछो। वो मेरी परफ्यूम की दुकान है ना, तो मेरी परफ्यूम की दुकान पे वो आया, मुझे मुक्का मार के परफ्यूम की बोतल चुरा के लेके गया। अगर वो मुझे कहीं दिखाई दे ना तो उसे परफ्यूम की बोतल में डालकर समुद्र में फेंक दूंगा। क्या ऐसा ही करा? जरा देखो तो। अरे नहीं बेटा, बिल्कुल इसके जैसे दिखाता हूँ। हाँ, लेकिन देखो बेटे, अगर तुम्हें वो लड़का कहीं दिखाई दिया तो उसे पकड़ कर पुलिस में डाल देना। हाँ? Okay. भाई साहब कंधा मेरा है, जरा आप भी ख्याल रखना। आप तो बाहर कैसे जाते हैं? इधर से। हाँ तभी तो। अच्छा ख्याल रखना। बाय बाय अंकल। ओफ ओफ ओफ। राहुल यार तू मुझे एक बात बता, तू लड़की से प्यार करने की कोशिश कर रहा है या पानीपत की लड़ाई लड़ रहा है? वही तो, लड़की को इंप्रेस करने भी नहीं आता। अगर मैं होता तो अभी तक शिवा बालकनी से उल्टी लेकर गई होती। Exactly. Actually, पापा मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली बात यह है कि मुगैम्बो साहब ने कभी रोमांस नहीं किया ना। अरे उन्होंने बड़ा अच्छा किया जो रोमांस नहीं किया, वरना सूट पहनने के बजाय वो लंगोट पहनकर अखाड़े में उतर आते। और लड़की से कहते हो जाए दो दो हाथ। That's a great idea, बाबा। नहीं यार, लड़की को सिनेमा दिखा, डिस्को ले जा। इसका आइडिया अच्छा है। अरे भाड़ में गया उसका आइडिया। यार तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। डिस्को जाने के लिए पैसे चाहिए। अरे वो अपने रिदम हाउस का डिस्को मैनेजर पिंटो है ना, मैं उसको फोन कर दूंगा। नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है पापा। क्या? रश्मि दीदी। और फिर मैंने उस हैंडसम नौजवान से कहा तुम मेरी आंखों की तारीफ करो। Hi girls, hi girls. Hi दीपक अंकल। Hello. भाई तुम दोनों की बातें खत्म नहीं हुई? पापा, अभी कुछ इंटरेस्टिंग बातें शुरू हो रही थी है ना? भाई मैं एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा रहा हूँ। रश्मि तुम चलोगी मेरे साथ? ऑफ कोर्स पापा, हम दोनों चलेंगे है ना? नहीं, I'm sorry, दोनों तो नहीं जा सकते क्योंकि मेरे पास एक ही एक्स्ट्रा टिकट है। Oh,
शिवो को राहुल ले जाएगा ना? कहाँ? डिस्को। हम दोनों डिस्को जाएंगे। पापा ने पिंटो साहब से बात भी कर ली है। यस। नहीं, लेकिन मिका भी डिस्को नहीं जाती। तुम कैसे नहीं जाओगे? तुम मेरे जाओगे? ये क्या सब बूढ़ों जैसी बातें कर रही हो? हाँ ठीक हो? हाँ। भाई हमारे बम्बई में कहते हैं कि जो डिस्को गया वो स्वीट 16 और जो नहीं गया वो बिटर 8 है। Oh, is it? It is. तो मैं जरूर जाऊंगी। चलो राहुल आओ। मैं कैसा लग रहा? Nice, very nice. और पापा का शर्ट? Great. My papa also is a very great man. Oh. उन्होंने पिंटू साहब को फोन कर दिया, उन्हें बता दिया है कि हम डिस्को आ रहे हैं और वो हमारा ख्याल रखें। वैसे मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ, मैं नाच के दिखाऊं? नहीं, डिस्को में नाचेंगे ना बाबा। ठीक है यार, डिस्को में ही नाच लेंगे। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, इसने मुझे वहाँ नहीं पहचाना तो यहाँ कैसे पहचान लेगा ना? किसने? डिस्को। भाई साहब कहीं तुम क्या हुआ? राहुल, राहुल आई ओके? पेट में दर्द, मैं डिस्को नहीं जाऊंगा। मैडम, ये भाई साहब का नाम क्या है? राहुल। नहीं, हम कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज? अब मुझे डिस्को कौन लेके जाएगा? हम किस दिन काम आएंगे जेंटलमैन? चलें डिस्को। फैंटास्टिक। अरे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यार। अरे यार ये देख, आइडिया पसंद नहीं आया, कुछ दूसरा सोच। हाँ हाँ, क्या हुआ भाई? पापा बहुत बुरा हुआ। क्या? रास्ते में वो परफ्यूम वाला मिला और फिर धीर शिवा को लेके डिस्को चला गया। ओफो, क्या डिस्को जाने का आइडिया भी आपका ही था? अरे भाई हिम्मत क्यों हारता है, अपने अम्बरीश देवा को सलाम कर और चल कोई नई चाल। कैसी चाल? सुन, I know your papa is great. चल शुरू हो जा। किसे फोन किया जा रहा है? सस्पेंस म्यूजिक। हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। आप मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। हाँ, आपके डिस्को में मैंने बम रखा है जो 15 मिनट में फटने वाला है। अपना डिस्को खाली करवा दो। और हाँ अंकल, पापा दीपक मल्होत्रा साहब ने आपको नमस्ते कहा है। गुड शो। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी ब्रिलियंट आइडिया में छोटी मोटी मिस्टेक तो चलती रहती है बॉस। मुझे उधर कौन बैठा है? अबे हे, रुको, ये तो अपना राहुल है। पता है राहुल, हम दोनों ने इतना मजा किया, इतना मजा किया, माय गॉड। डिस्को के गेट पे मजा किया। व्हाट? डिस्को बंद था? हम दोनों को तो पता ही नहीं। नो, एक्चुअली क्या हुआ कि रास्ते में हमारा प्लान चेंज हो गया और हम चौक पार्टी चले गए। एंड यू नो व्हाट, वी हैड आइसक्रीम, वी हैड बेलपुरी, एंड दैट्स नथिंग, आई हैड टू बेलपुरी। हेय, टेलिंग अबाउट द हॉर्स राइडिंग। यस यस, टेल हिम अबाउट दैट। पता है राहुल, मैं घोड़े पे बैठी थी। घोड़े पे? पागल हो गई हो? अगर गिर जाती तो? हेय, पागल तो तुम हो गया हो। मैं गिरती कैसे? धीर ने मुझे पकड़ के रखा था। क्या कहा? धीर ने मुझे पकड़ के रखा था। He's very nice and he's very cooperative. तेरे जो राहुल भैया ना, उनसे कह दे कि जो तेरी बहन है ना शीबा। ए, शीबा मेरी बहन नहीं है, रश्मि की सहेली है। वो रश्मि की सहेली है? रश्मि तेरी बहन है तो वो भी तेरी बहन हुई ना। तो क्या, तो तू अपने राहुल को समझा दे कि शीबा पर डोरेन नहीं डाले। तू जाके अपनी धीर को समझा। गुड्डू, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, आप पीछे मत आइए, इससे तो मैं नहीं बढ़ लूंगा। तूफान, क्या हुआ मुझे बता, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, आपके रास्ते के कांटे को साफ कर रहा था। अरे भाई साहब जरा पीछे, इतना पीछे ना, बहुत जगह है, मैं बहुत परेशान हूँ। कह रहे मेरी दुकान से एक लड़का चोर के भाग गया, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। बेटा कहीं वो मिला? कहीं ये वो लंबू तो नहीं? अरे नहीं नहीं, उसे तो बहुत अच्छे काफी बाल थे। अच्छा, तो वो यही होगा। अच्छा, अरे भैया जरा देखने तो दो। नहीं, अरे हाँ,
यही वो लड़का है जिसने मेरे दुकान से परफ्यूम की बोतल चुराई। परफ्यूम की बोतल चुराई? चल तूफान ये बात शिवा को बताते हैं। शिवा, आज लगता है मुझे असलियत पर उतरना ही पड़ेगा। भाई साहब आपका कंफ्यूजन है ना, आओ आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। अरे चल यार। नहीं नहीं नहीं, अच्छा चल ना यार, आज मेरा करवा चौथ है। अच्छा, अरे लेकिन ये पिशम या ये पिशम या पिशम या या पिशम या 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 मिल गए मेरे परफ्यूम के पैसे। शिवा, ये देखो राहुल की फोटो गुंडे की ड्रेस में। यू मीन योर राहुल है? ओह नो, आई डोंट बिलीव यू। हाँ बाबा, जैसी करनी वैसा फोटोग्राफ। एग्जैक्टली, ये एक नंबर का गुंडा और बदमाश है। गुंडा? हाँ, रश्मि दीदी। क्या है? बाहर लिपस्टिक वाला आया है। रियली? ये कहाँ चली गई? ओह नो, शिवा। शिवा, ये तुम्हारे लिए। फ्लावर, सनफ्लावर। थैंक यू। शिवा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना? शिवा, शिवा। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया ना? ओह नो, नेवर माइंड, नेवर माइंड। कंटिन्यू, कंटिन्यू। शी, क्या? तू क्या कह रही है भारती? हाँ भैया, मैं सच कह रही हूँ। आप अगर इसी स्पीड में आगे बढ़ते रहे ना, तो राहुल और शिवा की शादी तक लव यू तो दूर, आप आए तक ही पहुँच पाओगे। तू सच कह रही है भारती? तूने अपने कानों से सुना कि राहुल शिवा को प्रपोज करने वाला है? नहीं, राहुल बाहर निकल। राहुल, तुम्हें कोई बुला रहा है? राहुल, तुम्हें कोई बुला रहा है? राहुल, तुम्हें कोई बुला रहा है? जाओ ना। राहुल बाहर निकल, मैं तुझे ललकार रहा हूँ, बाहर आ जा बुजदिल चूहे। ए शेट्टी, चिल्ला क्यों रहा है तू? एक मर्द का फर्ज बनता है चिल्लाना अगर कोई और उसकी होने वाली बीवी पर बुरी नजर डाले। होने वाली बीवी? खबरदार जो तूने अपनी गंदी जुबान पे शिवा का नाम लिया। राहुल, रश्मि, आज मैं सीना ठोक के कहूंगा आई लव शिवा। राहुल, तुम्हें क्या हो गया? रश्मि, हट जाओ मेरे रास्ते से। शिवा का मेरे बीच में अगर तू आया तो मैं तुझे मार डालूंगा। अबे बीच में तो तू आ रहा है और आज मुझे लगता है मुझे ही इस कबाब को हड्डी से बाहर निकालना होगा। तूफान, तू ग्लव्स पहनेगा? हाँ। और मैं? बाती। हाँ भैया। इसे तकिया दे दे। ये ले। मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा और तू मुझे पहले तकिए से मार। अड़ी। भैया, ये तकिया छोड़ो। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। रश्मि, ग्लव्स पहनाओ। भैया प्लीज ये मत करो ना। ये सब क्या हो रहा है? शिवा, ये क्या हो रहा है मुझे तो पता नहीं शिवा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत बुरा हो रहा है। मैं तैयार हूँ। तैयार? दीदी बाबा। उई माँ। ए बाबा, बहुत जरूरी फाइट होने वाली है। अबे डॉगी, अरे मंकी। हाय शिवा। हाय मम्मी। हाय बेटे। इसकी त्वचा से इस
इसकी उम्र का पता ही नहीं चलता। वो कौन? कैसी हो तुम? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.